Hello guys, good morning. So you are here for physics and I'm here for you. तो आप लोग यहाँ physics पढ़ने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है कि किस तरीके से मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कहाँ मिलेंगे या क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, उसको मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में हम लोग थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मोडाइनमिक्स जिसको ऊष्मा गति की बोलते हैं, जनरली ये यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के सेकेंड ईयर में आता है, ये BSc के सेकेंड ईयर में, और या किसी यूनिवर्सिटी या अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर मैं भी डिफरेंट जगह पे हो, मतलब फर्स्ट ईयर में भी डाल देते हैं कुछ जगह पे, तो वो कहाँ पे भी आए हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, वो मैटर नहीं करता कि कहाँ पे आ रहा है। सिलेबस सबका सेम ही होता है, बस एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है कि किसी में 5 यूनिट मान रखें, किसी में 4 यूनिट मान रखें, तो वो जो भी है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हमारे ऐप के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारा जो ऐप का नाम है प्ले स्टोर पर फोमा एजुकेशनल हब के नाम से है, फोमा एजुकेशन हब के नाम से है, ये लोगों के साथ में मिलेगा वहाँ से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर ही हमारे जो है जो सारे क्लासेस आएंगे वो उसी के ऊपर रहेंगे, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस वे में चीज़ें कराई गई है। तो यूट्यूब चैनल जो है हमारा वो है फोमा एजुकेशनल हब के नाम से, तो वहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, माय नेम इज़ बनवारी कुमावत एंड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT बॉम्बे, और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस जो हमारा ऐप है इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज चला रखे हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं इसके ऊपर IIT जेम का फिजिक्स से, और इसके अलावा JEE का, IIT JEE, नीट का, ये कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा BSc का कोर्स तो चल ही रहा है, तो ये सारे कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट हो या जो भी है वो कर सकता है वहाँ से, ठीक है। ये क्लियर है चीज़ें। अभी मैं थर्मोडाइनमिक्स पे मूव करता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स क्या है, किस तरीके से थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, या क्या पढ़ना चाहिए, या आप लोग क्या पढ़ के आए हो, या एक्चुअल में थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है। तो भैया क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स, इस चीज़ का हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स क्या है। देखो मैं डेफिनेशन के इर्द गिर्द बात नहीं करूँगा कि चलो किसी चीज़ का डेफिनेशन क्या है, मेरा मोटिव ये है कि आपको मतलब समझ में आए, ठीक है। तो मतलब क्या है चीज़ों का, मीनिंग क्या है, हाँ डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, या उसको एग्जाम में कैसे लिखना, तो वो वे ऑफ राइटिंग भी पता होना चाहिए, कि लिखने का तरीका पैटर्न भी पता होना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको फिजिक्स की फील आए, तो उसके लिए हमारा पूरा जो पैटर्न है उसी वे में डेवलप किया गया है। तो देखो भैया मैं थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो पहले मैं वर्ड को डिफाइन कर लेता हूं कि इसका डेफिनेशन, जो परिभाषा जिसको बोलते हो आप, वो क्या है, फिर मैं इसका एक्चुअल मीनिंग की बात करूंगा। डेफिनेशन तो होती ही है जो भी जिस भी चीज़ की होती है डेफिनेशन, पर मैं एक्चुअल मीनिंग की फिर बाद में बात करूंगा। अभी जैसे ये थर्मोडाइनमिक्स वर्ड है, हाँ जी हिंदी, एक चीज़ मैं बता दूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए ये जो वीडियो है, ये तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। पर आगे जो पूरा सिलेबस होगा हिंदी मीडियम वालों का अलग वीडियो होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के अलग लेक्चर होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा वो इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम वालों के हिंदी में लिखा जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज़, जो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में बोलकर नोट्स लिखवाए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, ये चीज़ें क्लियर कर लो। अभी तो मैं क्या ये ज़्यादा इसमें लिखवाने का कुछ है नहीं, तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन है तो दोनों मीडियम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं अलग अलग सेपरेट करूँगा, तो जिसको भी जो मीडियम है उसके हिसाब से देख ले अपना वीडियो। तो देखो भैया थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो थर्मोडाइनमिक्स या ऊष्मा गति की बोलते हैं इसको हिंदी में, ऊष्मा गति की, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक्स या ऊष्मा गति की क्या है, पहले मैं वर्ड से इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे थर्मोडाइनमिक्स में दो वर्ड है, एक तो हो गया क्या थर्मो, एक हो गया क्या डायनेमिक्स, या हिंदी में भी बात करूँ तो हिंदी में भी दो वर्ड है, एक तो क्या है ऊष्मा, एक क्या है गति की। थर्मो जो है वो डिनोट करता है थर्मल एनर्जी को, हीट को, इनको, तो थर्मो का मतलब ही क्या है हीट, जिसको ऊष्मा ही तो बोलते हैं, या मैं बोलूँ थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, इसका मतलब ये होता है। और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब है
कि एक तरीके से यहाँ पे डायनेमिक्स डिनोट कर रहा है कि हम लोग कैसे स्टडी करेंगे उसका। आ रही बात समझ में? मतलब डायनेमिक्स आपको बताएगा कि हीट का मोशन कैसे होता है, इंटरेक्शन कैसे होता है। तो डायनेमिक्स इंटरेक्शन को शो करेगा। इंटरेक्शन का मतलब है अंतर्क्रिया, और अंतर्क्रिया का क्या मतलब होता है? मतलब वो दूसरी चीज़ों के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है, इंटरेक्शन। और इसका मैं एक और मोशन के बारे में भी बात कर सकता हूँ। मोशन मतलब गति एक तरीके से। तो यहाँ से जो वर्ड बताया ना मैंने, वर्ड के हिसाब से अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या डेफिनेशन बनेगा? पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन एंड मोशन ऑफ हीट एंड थर्मल एनर्जी, दैट ब्रांच इज नोन एज थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा, उसमें ऊर्जा तथा उससे संबंधित जो पैरामीटर्स है, मापदंड है, उनकी अंतर्क्रिया और गति का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इससे कुछ समझ में आया क्या आपको? फील हुआ? नहीं हुआ? तो हमारे को क्या करना है, डेफिनेशन जो चीज़ होती है वो डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाई जाती है। किसी भी चीज़ की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। आप किस सेंस में बताना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं या उसको बताते हैं। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी है, तो मैं किसी को बताऊं, जैसे मेरा एक दोस्त आया तो मैं उसको ये बताता हूँ कि ये मेरे मम्मी है, मतलब मैं मेरे रिलेशन से उनको बता रहा हूँ, ठीक है। या मेरी मम्मी भी खड़े हैं, मेरे पापा भी खड़े हैं, मैं उनको ऐसे बताऊं कि ये जो मेरे पापा हैं उनकी वाइफ है, ये मेरी मम्मी के बारे में, तो मैं उनके रेफरेंस से भी बता सकता हूँ, मेरे रेफरेंस से भी बता सकता हूँ। मैं बता मेरी मम्मी के बारे में रहा हूँ, लेकिन मैं क्या इधर से भी बता सकता हूँ, इधर से भी बता सकता हूँ। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हम लोगों का मोटिव क्या है, किस बारे में बात करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका डेफिनेशन करते हैं या परिभाषित करते हैं उसको। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये इतना नॉलेज नहीं रखता अपने आप में। डेफिनेशन हर चीज़ का आप हजार तरीके से बना सकते हो, आपको क्या करना है, किस तरीके से बताना है, वो चीज़ है डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि आपने ये डेफिनेशन पढ़ा, इससे थोड़ा बहुत हल्का मीनिंग समझ में आता है कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट थर्मो हीट थर्मल एनर्जी एंट्रोपी लाइक दैट दैट इज नोन एज थर्मोडाइनमिक्स। ये चीज़ समझ में आती है कि, बट एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आता कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं अब उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि परिभाषाओं से बाहर निकल के, डेफिनेशन से बाहर निकल के हम लोग इस सब्जेक्ट को किस वे में स्टडी करने वाले हैं, या मैं किस वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। और मैं आपको ये बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कंसेप्ट जो आते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक में बोलो कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, हीट क्या है, फिर फर्स्ट लॉ थर्ड, देखिए अगर मैं बात करूं इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो क्या आएंगे, जैसे ये टेम्परेचर क्या होता है जिसको हिंदी में तापमान बोलते हैं, ताप, हीट क्या होता है ऊष्मा बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रेशर क्या है दाब, ये एंट्रोपी होता है, ये लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये पढ़ते हो, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम ऊष्मा गतिकी के, जो जो नियम है आपके वो। इसके बाद में ये और भी टॉपिक्स है, ये पूरा जो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनमें से मैंने बड़े बड़े टॉपिक के नाम लिखे हैं यहाँ पे, आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ें हैं ये। इसका मतलब है कि थर्मोडाइनमिक्स में जब पढ़ेंगे टेम्परेचर, ऊष्मा, दाब, एंट्रोपी, ये इन सब के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, इनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको उसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको उसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। पहले हम उसको फील करेंगे, फिर डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, सब कुछ एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे थर्मोडाइनमिक्स वाकई में क्या है। वो डेफिनेशन हो गया था, मीनिंग समझ में आ गया कि मैं हीट की बात कर रहा हूँ, ऊष्मा की बात कर रहा हूँ, ताप की बात कर रहा हूँ, वो फिजिक्स क्या है, थर्मोडाइनेमिक्स है, क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, थर्मोडाइनेमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। वो क्वेश्चंस कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे गर्मी लग रही है,
गर्मी लगने का मतलब क्या, मुझे हॉट फील हो रहा है या मुझे ठंड लग रही है, मुझे कोल्ड फील हो रहा है, तो हॉट एंड कोल्ड ये समझ में आ रही चीज़ें, किस तरीके से कोई चीज़ ठंडी लगती है, किस तरीके से कोई चीज़ गर्म लगती है। तो ठंडी या गर्म को मेजर करना है मुझे, उसका मेजरमेंट लेना है, मापन करना है, तो उसके लिए मैं एक नया टर्म बना देता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ तापमान, टेम्परेचर। इस तरीके से टेम्परेचर होता है, मतलब मैं मीनिंग समझा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। ये टेम्परेचर, हीट, इन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे जब पूरा स्टार्ट करूँगा, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है। तो ये समझ में आई चीज़ें, टेम्परेचर, जैसे मैं बात करूँ कि जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लो कितना 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम तो ये यहाँ पर जो भी आसपास में बॉडीज दिख रही है या जो भी होगा एनवायरनमेंट में, उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 42। इसका मतलब है कि जैसे मैं इसको टच करूँगा तो मुझे 42 जो टेम्परेचर है उसका एहसास होगा, तो मे भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर अगर ठंडा है 42 से कम है तो मुझे ये गर्म फील होगा, होगा ना, या मेरा ज़्यादा है तो मुझे ये ठंडा फील होगा। तो जैसे मैं मेरे हाथ को पकड़ूँ और मैं चेक करूँ कि मुझे ठंडा फील हो रहा है कि गर्म, तो हो सकता है कि दोनों हाथ मेरे ही हैं, तो दोनों हाथ मेरे हैं तो टेम्परेचर बराबर होगा, तो मुझे शायद फील ही ना हो कि ठंडा है कि गर्म है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर एक चीज़ जो दूसरी से गर्म है या ठंडी है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो क्या होता है, हमारे को ये एहसास होता है कि कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है, तो उसको मेजरमेंट हम लोग टेम्परेचर से करते हैं। इसी तरीके से जैसे हज़ारों एग्जाम्पल्स से, जैसे मैं बात करूँ कुछ भी, ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। दूसरा जैसे कि आपने ये देखा है कि एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप अभी करके देख सकते हो। जैसे एक ओ एंड आ का एक एक्सपेरिमेंट होता है, ओ एंड आ। ओ एंड आ क्या है, जैसे आप मुंह का शेप है जो ओ बना के हवा ब्लो करो, ऐसे हवा फूंकनी है बाहर आपको, ऐसे थोड़ा सा मुंह ओपन करना ओ की शेप में, ऐसे जैसे घाव कट लग जाता है तो हम लोग उस पर करते हैं ना, फूंक मारते हैं, वो वाला बहुत हल्का सा, और इस हवा को फील करो कि ये ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है। एक दूसरा, आप इसको आ करते हुए हवा ब्लो करनी है, ऐसे क्लोजअप वाले, जैसे क्लोजअप के जो एड में आता है, ऐसे ऐसे जो हवा ब्लो कर रहे हो और जो पहले ओ शेप में हवा ब्लो कर रहे हो, आप ये फील करो कि आ वाले शेप में गर्म फील होगी, ओ वाले शेप में ठंडी फील होगी, करके देख लो। तो ये ओ, ये आ, आ में गर्म होगी उसमें ठंडी होगी, वजह हम थर्मोडाइनमिक्स में एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं। मैं आपको आइडिया बताऊं, एक जूल थॉम्सन प्रभाव आता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट, उसका जो एक्चुअल में मीनिंग है वो यहाँ पे निकल के आता है, मतलब जो उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये यहाँ पर है भैया उसके। क्लियर है ये बात? ये तो जूल थॉम्सन में किस तरीके से उसका थ्योरी है, किस तरीके का डेरिवेशन, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में फिजिक्स को कैसे फील कर सकते हैं या कैसे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जूल थॉम्सन का और एग्जांपल बताऊं, जैसे आप बाहर जाओ और कोई भी गाड़ी दिखे ना आपको, उसका टायर से हवा निकाल लो, अब वो टायर से हवा निकले तो अब उसके हाथ लगा के देखना वो ठंडी फील होती कि गर्म, वो ठंडी फील होगी आपको, वो आपको ठंडी फील होगी, आपको कूल लगेगी, वो कब लगेगी, जब उसके अंदर अगर हाइड्रोजन या हीलियम है तब तो वो गर्म फील होगी, पर जनरली हाइड्रोजन या हीलियम नहीं होता, उसके अंदर जो भी गैस होता है हाइड्रोजन या हीलियम के अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे एनवायरनमेंट से हम लेते हैं तो नाइट्रोजन जैसा जनरली ज़्यादा होता है, तो वो आपको ठंडा फील होगा। हाइड्रोजन हीलियम होता तो गर्म फील होता, पर हाइड्रोजन हीलियम जनरली नहीं होता है, तो वो आपको कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। आ रही बात समझ में? तो वो सॉरी ठंडा फील होगा वो आपको, तो ठंडा क्यों होता है, उसके पीछे भी लॉजिक क्या है, जूल थॉम्सन इफेक्ट है। जूल थॉम्सन इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी इफेक्ट बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। इसके बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप मान लो बाथरूम में नहा रहे हो और एक ये इतना बड़ा नल है, इससे पानी ले रहे हो, ठीक है ये पानी आ रहा है, एक दूसरा है बाथरूम में उसी टंकी से पानी आ रहा है और वो शावर के थ्रू आ रहा है, वो शावर के थ्रू आ रहा है जिसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं ये, ठीक है ना, जो फंवारा लगा होता है, तो इसके थ्रू पानी आ रहा है। आप ये नोटिस करना कि यही जो सेम टंकी से ऊपर से पानी आ रहा है, ये वाला पानी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म होगा, मतलब ये छोटे छोटे छेद से जो पानी निकल के आ रहा है शावर में वो हल्का सा ठंडा होता है इसके कंपैरिजन में। मैं भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया कि आप इसको फील नहीं कर पाओ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर भी ये इफेक्ट होता है। आ रही बस में? इसमें और भी चीज़ें काम करती है, इवेपरेशन बाद में बताऊँगा क्या क्या, लेकिन ये जूल थॉम्सन भी काम करता है यहाँ पर,
आ रही बात समझ में? तो जूल थॉमसन इफेक्ट एक्चुअल में वो डेरिवेशन तक ही सीमित नहीं है, हम उसको फील करेंगे किस वे में वो अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल्स की बात करूँ मैं, ये जूल थॉमसन के बारे में बता दिया जो कि आपके जाके सेकेंड यूनिट में और फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में भी आएगा। मैं प्रेशर कुकर की बात करता हूँ। आपने ये देखा है कि जैसे मान लो कि आप कोई दाल उबाल रहे हो, बॉईल करना है आपको दाल, तो मान लो आप एक एक बर्तन ले लेते हो, ये कोई भगोनी है, ये पतीला है, ये इसमें गर्म कर रहे हो आप, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा रखा, कोई आपने ढक नहीं रखा इसको, तो मान लो दाल उबलने में कितने 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब आप एक काम कर रहे हो कि एक दूसरा बर्तन ले रहे हो, सेम ये ऐसा ऐसा बर्तन ले रहे हो, उसमें उतनी दाल दोबारा रखी और फिर गर्म की, पर इसमें इस बार क्या कर दिया आपने, कोई ढक्कन लगा दिया, जैसे प्लेट से ढक दिया आपने नॉर्मल प्लेट से, तो इसमें इससे कम टाइम लगेगा, मे बी ये मान लो कि 11 मिनट में बन जाए, उबल जाए। लेकिन अगर सेम चीज़ आप प्रेशर कुकर में करोगे तो प्रेशर कुकर में इससे भी कम टाइम लगेगा, मे बी आपको 8 मिनट में ही हो जाए या इससे भी कम में हो जाए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रेशर कुकर का फिजिक्स है वो भी थर्मोडाइनेमिक्स में ही है। एक्चुअल में आप सेकेंड यूनिट में जाके एक इक्वेशन पढ़ोगे, क्लेसियस क्लेपिरोन इक्वेशन बोलते हैं, क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण, उसका एप्लीकेशन है ये, उसका यूज है यहाँ पे। अंदर क्या होता है, अभी किसी के दिमाग में ये होगा कि सर ये तो हमको भी पता है कि हीट बाहर नहीं जाएगी तो वो अंदर रहेगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता है ये अंदर रहेगी, प्रेशर कुकर में बाहर जल्दी से निकलती नहीं है तो अंदर रहेगी तो गर्म हो जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन वो गर्म क्यों होता है, किस तरीके से वो उसको हीट वो बॉईल कर पाती है, उसके पीछे का जो सब्जेक्ट जो कंसेप्ट है वो क्लेसियस क्लेपिरोन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसका जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स में मैं वहाँ पर पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आपके बीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रेशर कुकर के बारे में पूछेगा, नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे, क्लेसियस क्लेपिरोन इक्वेशन पूछेगा, उसका डेरिवेशन पूछेगा, लेकिन उसका एक्चुअल में जब तक आपको फील नहीं हो रहा तब तक क्या मतलब है, ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है, ऐसे तो हजारों किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रेशर कुकर का हो गया। जैसे और एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मटके की बात करूँ, मटके में पानी ठंडा रहता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है कोई भी ले लो, उसमें पानी जो रहता है वो ठंडा रहता है कंपेरेटिवली जो जैसे स्टील का बर्तन है उसके बजाय। क्या वजह है इसकी, फिजिक्स क्या है इसमें? इसमें एक इवेपोरेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इवेपोरेशन का कंसेप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, अभी ये बातें तो कई लोगों को पता होगी क्या, कि इसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी वजह से क्या होता है ये ठंडा हो जाता है। हाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे ये होल बने होते हैं, मतलब इनमें हवा पास हो सकती है, पानी भी हल्का हल्का बाहर निकल सकता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें से हवा या हल्का हल्का पानी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा छिद्र है तो वो बाहर पानी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता, वो मिट्टी में ही इंटरनल स्ट्रक्चर में इतना पास हो पाता है पानी। उसकी वजह से क्या इफेक्ट काम करता है, वो यूपरेशन का कैसे इफेक्ट काम करता है, वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा जब इसका डिटेल में बात करेंगे। इसकी एक दूसरी चीज़ बता दूँ, जैसे गांव में कई लोगों को आपने ये देखा होगा या कहीं पर भी, जैसे बोतल होती है प्लास्टिक की बोतल, उसके ऊपर कई कपड़ा लपेट लेते हैं, मोटा ऊनी कपड़ा लपेट लेते हैं और उसको भिगो देते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो जो उसके अंदर पानी रहता है वो ठंडा रहता है, ये उसको मटका बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मटके में कंसेप्ट लगाते हैं वही कंसेप्ट उसमें लगाने की कोशिश करते हैं वो, तो थोड़ा बहुत उसमें भी इफेक्ट आता है लेकिन मटके जितना नहीं हो पाता, क्योंकि मटके में तो एक्चुअल में बहुत वो चीज़ें होती है। क्या होता है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये हम लोग जब बात करेंगे तब इसका कंसेप्ट, क्योंकि जब टॉपिक आएगा उसका डेरिवेशन पढ़ के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर सकता हूँ मैं, और एग्जाम्पल्स जैसे कंडेंसेशन, आपने ये देखा कि जैसे मान लो कि आप फ्रीज से कोई बोतल बाहर निकाल के लेके आते हो, या मान लो कोई बर्तन है वो बाहर निकाल के लाते हो, एक मान लो एक भगोनी है और उस बर्तन के अंदर क्या छाछ है, जैसे ये क्या है, एक ये भगोनी है और इसमें मान लो यहाँ तक इस लेवल तक क्या है छाछ भरी हुई है या जो भी कोई भी लिक्विड भरा हुआ है,
तो अब आप जब इसको बहुत देर से ये फ्रिज में रखा हुआ था, आप बाहर लेके आते हैं इसको और थोड़ी देर हवा में रख देते हो, तो इसके जो यहाँ तक जहाँ पर छाछ का लेवल है वहाँ तक आपको पानी की बूंदें दिखाई देगी। ऊपर भी रहती है लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये पानी की बूंदें आ जाती है। या पानी का बोतल ला के रख दो बाहर थोड़ी देर, उसके बाहर भी क्या हो जाता है, पानी की बूंदें आ जाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा बसों में जाते हैं तो वो पानी बेचने आते हैं, तो वो अंदर से ठंडा ज़्यादा पानी होता है तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती है, वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं। यहाँ पर कहाँ से आते हैं, क्या लॉजिक होता है इनके पीछे, क्या ये पानी अंदर से निकल गया बोतल के? ऐसा तो नहीं है ना, अंदर से तो नहीं निकला, अंदर से निकलता तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें इसका थोड़ा सा आइडिया है, पूरा डिटेल में तो नहीं है ये, बट उसका आइडिया है, तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंडेंसेशन किस वे में काम करता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये टॉपिक वैसे 12th स्टैंडर्ड में आता है, टॉपिक नहीं है एक वर्ड है कि कंडेंसेशन किस तरीके से काम करता है, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा ही नहीं है, दूसरी चीज़ बताऊँ इसका एग्जाम्पल, आप जैसे सर्दियों में हम बोलते हैं तो हमारी जो सांस से हवा निकलती है वो जब बाहर दिखती है तो वहाँ पर हमारे को यहाँ पर क्या वाइट वाइट वो ऐसे दिखता है कि धुआं निकलता हुआ मुँह से, समझ में आता है ना, वो भी कंडेंसेशन का इफेक्ट है। कैसे होता है, क्या लॉजिक्स हैं उनके पीछे, जब डिटेल में बात करेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल में फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, कहीं पर भी पढ़ो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जहाँ पर भी पढ़ो ना उसको सीखते हुए पढ़ो। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, डेरिवेशन थ्योरी वो तो पढ़ेंगे, वो नोट्स पूरे प्रॉपर आपको नोट्स लिखवाऊंगा हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, बट एक्चुअल में हम लोग फील करते हुए इस वे में आगे लेके जाएंगे इसको। आगे बात करें अगर दूसरे इस कंडेंसेशन के और एग्जांपल्स बताऊं मैं आपको, ये आपने नहीं देखा जैसे सर्दियों के में जनरली ये होता है, आप बस में बैठ के जा रहे हो मान लो, तो उसके जो शीशे होते हैं, जो विंडो ग्लास होते हैं, खिड़कियों के ग्लास होते हैं, उन पे क्या हो जाता है, पानी की बूंदें जम जाती है ना, उसमें आप अपने नाम लिखते रहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड का, किसी का भी नाम लिखते रहते हो, जैसे ये देखो ये बंदी, ये यहाँ पर एक शेप बना रही है, ये तो ये क्या ओस, जिसको आप बोलते हो कि ओस की बूंदें आ गई, समझते हो ना, तो ओस की बूंदें वो चीज़, एक ये कंडेंसेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, यही नहीं, दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे सर्दियों में नोटिस करना, जैसे बाथरूम में नहा रहे हो और आपकी बाथरूम की जो दीवारें हैं, वॉल्स है, वो अगर ग्लास की बनी हुई कांच की दीवारें हैं, तो वो दीवारों के ऊपर क्या हो जाता है, पानी की बूंदें आ जाती है। ऐसा नहीं कि वो पानी ऐसे उछल उछल के गिर गया, वो नहीं, उसकी दीवारों के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, और उन बूंदों को अगर आप लोग ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो उस पर आप लोग कुछ लिख पाते हो, थोड़ी देर में फिर से वो वापस मिट जाता है। ये मे भी आपके आपके या हमारे जनरली जो घरों में बाथरूम होते हैं उनमें कांच की दीवारें नहीं होती तो हम लोग फील नहीं कर पाते, बट फिल्मों में देखा होगा कई बार, ये भी कंडेंसेशन का इफेक्ट है। किसी भी लॉजिक के पीछे, कोई भी कंसेप्ट है उसके पीछे एक ही लॉजिक नहीं होता, कि मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कंडेंसेशन की वजह से होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंडेंसेशन भी वर्क करता है, कैसे वर्क करता है हम लोग वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। आ रही बात समझ में, इसके आगे जैसे और बातें करूँ मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिजिक्स को फील कर रहे हैं कि कैसे जब ये टॉपिक में आएंगे हम लोग कैसे स्टडी करने वाले, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं, हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ढंग का सीखने को मिलेगा, मेरा यही मोटिव रहेगा आपको पढ़ाने का। एक और ये एग्जांपल बहुत मस्त एग्जांपल है, इसमें ऐसा है कि आप एक प्लास्टिक का जैसे पॉलीथीन ले लो और उसके अंदर पानी डाल लो, और उसको अगर आप गर्म करोगे, कहीं पर भी गर्म कर लो, तो पानी गर्म हो जाएगा, वो पॉलीथीन जलेगा नहीं। अरे बात समझ में, हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो करके देख सकते हो आप पानी, क्या मैं ये बोलूँ कि आप उसमें तो आप पानी डाल के उसमें चाय पत्ती डाल लो, दूध डाल लो और चीनी डाल लो, वो चाय बन जाएगा, ऐसे लोग करते भी है, मे भी वो चाय टेस्ट ही नहीं लगे क्योंकि वो प्लास्टिक की वजह से टेस्ट उसका चेंज हो जाए, बट उसमें गर्म कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो पा रहा है, प्लास्टिक जल क्यों नहीं रहा, अगर उसमें कुछ डालोगे नहीं तो ऐसे ईजिली जल जाएगा वो, तो पर इसमें क्यों नहीं जल रहा, एक्चुअल में क्यों नहीं चलता, वो कंडक्शन की ऊष्मा का जो संचरण होता है या स्थानांतरण होता है, चालन होता है, वो कंडक्शन किस तरीके से होता है हीट का, उसके पीछे का थ्योरी है ये। तो जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें होती है, हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे डेरिवेशन करने के बाद में, हम लोग हर एक चीज़ को इसे फील करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और भी जैसे एग्जाम्पल्स है इसमें, एक बहुत ही गजब एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का,
जैसे वो मटके वाला बता रहा था ना कि मटके में पानी ठंडा कैसे होता, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करता है। आपने देखा होगा जैसे एक स्टील का बर्तन ले लो, जैसे तालाबों का पानी सूख जाता है, कहाँ जाता है वो, जमीन में चला जाता है, थोड़ा ऊपर उड़ भी जाता है आप ऐसा समझते हो तो। पर एक चीज़ बताओ कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है पानी लिक्विड है, उस वो गैस में जब चेंज होगा, गैस प्रावस्था में, गैस फेज में जब जाएगा तो 100 डिग्री पे जाता है ना वो। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि 100 डिग्री पे जाता है, इसके अलावा भी अलग अलग प्रेशर के हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन आप जो जनरली समझते हो कि 100 डिग्री पर वो क्या होता है, पानी से गैस बन जाएगा, लिक्विड से वेपर बन जाएगा, ऐसा होता है 100 डिग्री पे, ठीक है ना। लेकिन तालाब है, मान लो तालाब है, जैसे एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो मैक्सिमम जैसे 50 चला गया, अगर आप राजस्थान में भी हो तो 51-50 तक चला गया, ठीक है। अब अगर 50 टेम्परेचर हो गया तो 50 टेम्परेचर में पानी उड़ेगा कैसे, सो पे उड़ना चाहिए ना, अरे सो पे उड़ना चाहिए ना, क्योंकि उसका जो फेज का जो चेंज होगा, पानी से गैस वाष्प में जाएगी तो वो सो पे जाएगा ना, तो फिर वो पानी जाता कहाँ, मिट्टी में चला गया। हाँ जी, मिट्टी में चला गया, ऊपर भी जाता है। अगर इसमें तो ये लग सकता है कि आपको कि मिट्टी में चला गया पूरा पानी, लेकिन एक स्टील के बर्तन में पानी ले लो आप और उसको रख दो, 2 दिन में धूप में वो ख़त्म हो जाएगा, मे बी 1 दिन में चला जाए अगर धूप ज़्यादा है तो, कहाँ गया, ऊपर ही गया ना। तो जब 100 डिग्री हुआ ही नहीं तो वो बॉयल कैसे हो गया, मतलब कि क्या वो बॉयल हो गया, वो हवा में उड़ गया ना, कैसे चला गया, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो इवेपरेशन है। खेतों में भी तो ऐसा ही होता है, अभी खेत का जो फर्श है या मिट्टी है उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री तो होगा नहीं ना, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री तो 50 डिग्री रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो 50 डिग्री खेत की जमीन का तापमान है, तो वो पानी नीचे भी जाता है मिट्टी में भी थोड़ा, पर वो ऊपर कैसे चला जाता है, उड़ कैसे जाता है, पानी इवेपरेशन हो जाता है। तो ये इवेपरेशन का कंसेप्ट क्या है, इसको इवेपरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। तो इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इवेपरेशन का कंसेप्ट यही नहीं, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हम लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने में भी तो यही है, कपड़े सुखाते हैं तो जो पानी है कहाँ जाता है, हवा में ही तो जाता है ना, कैसे इवेपरेशन का कंसेप्ट होता है उसमें भी, क्योंकि 100 डिग्री तो हुआ नहीं कि वो गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, उसका जो लॉजिक है कि 100 डिग्री से बिलो भी कैसे हो जाता है, उसके बारे में है ये। और भी एक एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये जनरली राजस्थान में जैसे जयपुर का जो टेम्परेचर होता है वो सर्दियों में कई जगह पर, या जयपुर के अलावा राजस्थान में और भी ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर क्या है, -2 -3 डिग्री तक चला जाता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड या -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि 0 डिग्री पर तो पानी बर्फ़ बन जाना चाहिए ना, 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ बन जाता है। अब जब रात को मान लो टेम्परेचर -3 डिग्री चला गया, तो आपके पास जो भी पानी रखा हुआ वो बर्फ़ बन जाना चाहिए, जब सुबह आप उठ के देखो तो वो बर्फ़ दिखना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है ना, क्यों नहीं होता, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्लेसियस क्लेपीरोन इक्वेशन से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर की वजह से किस तरीके से चेंज होता है टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु ये परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब वहाँ पे बात करेंगे, वो जो टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में जाके, या फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये जो मैं यूनिट बोल रहा हूँ कि कौन सा यूनिट है कौन सा चैप्टर, ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बाकी टॉपिक सब में सेम है, सिलेबस सबका सेम है, तो अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप लोग, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसा पैटर्न रहेगा, उसका चिंता मत करो आप, ठीक है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर। आगे और भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने ये बताया था साइकिल की टायर से जो जो जैसे अगर मान लो हवा निकल रही तो वो ठंडा फील होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट, ये शावर से पानी आ रहा है वो भी क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट काम करता है, कैसे काम करता है मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। और भी चीज़ें, जैसे एक और चीज़ ये बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुन लेना, मान लो कि दो चेयर रखी है, एक मैं ऐसे एक छत पे दो चेयर रख देता हूँ और छत पे धूप आ रही है, ठीक है ना, दोनों बराबर धूप में रखी हुई है, तो उनको दोनों को रख दिया मैंने, एक लोहे की है एक लकड़ी की है मान लो, मतलब दोनों का मटेरियल अलग अलग है, और वो काफ़ी देर से रखी है, और अब एनवायरनमेंट में क्या संतुलन हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, जितना टेम्परेचर चेंज होना था वो हो गया, तो आप ये बताओ कि ज़्यादा टेम्परेचर कौन सी इसका होगा, मतलब लोहे वाली का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि लकड़ी वाली का टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
मैं ये बोलूं कि दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सोचो और इसका वेट करो। ओके, बाय।